तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो वापस आ चुके हैं GTA 5 की एक और नई वीडियो के साथ और अपनी इंडियन कार्ड के साथ। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि भाई हम लोग खड़े हुए हैं एक भाई दलदली इलाके में। भाई यहाँ पे देख सकते हो इतना ज़्यादा कीचड़ है कि भाई माइकल के जूते पूरे जो है भाई कीचड़ में घुस चुके हैं। और भाई इस जगह पर हम लोग करने वाले हैं भाई अपना टोइंग चैलेंज। वो भाई नॉर्मल टोइंग चैलेंज नहीं करने वाले भाई। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो भाई जो अपनी स्कूल बैग है जिससे हम लोग टोइंग करते थे वो घुस गई है भाई पानी के अंदर। तो भाई सीन ये रहने वाला है कि हम लोग बारी बारी देखने वाले कि अपनी कौन सी इंडियन कार भाई अपनी जो बस है भाई इसको जो है भाई पानी से भाई खींच के बाहर निकाल देती, वो भी इस कीचड़ वाले इलाके में। तो भाई सोच रहे हो भाई जो चैलेंज अपना कितना ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल होने वाला है। तो भाई देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी भाई इस डूबी हुई बस को जो है भाई यहाँ से बाहर निकाल पाती है। तो गाइज यहाँ पे बारी आती है अपनी नई नवेली टाटा एल्ट्रॉस की। और देखते हैं गाइज अपनी एल्ट्रॉस है यहाँ पे क्या अपनी बस को खींच पाती है कि नहीं खींच पाती। तो भाई हम एल्ट्रॉस में बैठ चुके हैं और ये देखो गाइज कि आगे का लुक तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पे गाइज जो अपनी अल्ट्रॉस है गाइज यहाँ पे पूरी जान लगा रही है लेकिन भाई खींच तो नहीं पा रही यार। इसके आधे टायर तो यार यहाँ पे कीचड़ में धस चुके हैं। आप लोग देख पा रहे हो कीचड़ ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत देने वाला है। और यहाँ मुझे भाई हालात ऐसे लग नहीं रहे कि भाई जो अपनी अल्ट्रॉस इधर खींच पाएगी। भाई यार बिल्कुल भी नहीं खींच पा रही यार ये गाड़ी। तो मेरे हिसाब से आज अपनी अल्ट्रॉस यहाँ पे भाई छोटी गाड़ी थी, ज़्यादा पावर इसमें इतनी नहीं है कि भाई इस भारी भरकम बस को जो भाई पानी से खींच पाए। तो फिलहाल जो अपनी अल्ट्रॉस है भाई इसको मैं यहाँ से जो है जल्दी से जो है हटा देता हूँ। भाई यहाँ पे एक गाड़ी जो है भाई बस को बिल्कुल भी नहीं खींच पा रही है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी किया सेल्टॉस की। और देखते हैं गाइस अपनी सेल्टॉस है कि अपनी बस को खींच के यार बाहर निकाल पाती है कि नहीं निकाल पाती है। और ये चलिए अपनी सेल्टॉस यहाँ पर। और मुझे लग नहीं रहा कि अपनी जो सेल्टॉस है भाई 2x4 गाड़ी है, 4x4 नहीं है। और काफ़ी मुश्किल हो रही है अपनी सेल्टॉस में। फुल थ्रॉटल लेता हूँ यहाँ पर। तो भाई यहाँ पे कीचड़ की वजह से जो गाड़ी की स्पीड भाई वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। और मुझे लग रहा है गाइस जो अपनी सेल्टॉस यहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी बस को खिसका रही है कहीं ना कहीं। लेकिन भाई मुझे लग नहीं रहा कि ये गाड़ी खींच पाएगी यहाँ। भाई गाड़ी की स्पीड बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही यार, इतना ज़्यादा कीचड़ है यार। कीचड़ सच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। और देख रहे भाई गाड़ी को खुद से ही आगे बढ़ने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, भाई बस को कैसे ही खींच पाएगी। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे जो अपनी सेल्टॉस है ये भी अपने चैलेंज जो है फेल हो जाती है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी दमदार फॉर्च्यूनर लेजेंडर की जो कि भाई अपनी 4x4 गाड़ी। और मुझे लग रहा है भाई ये गाड़ी ना डेफिनेटली यार अपनी बस को यहाँ पे खींच ही रही क्योंकि यार पावर जो है अपनी लेजेंडर में बहुत ही ज़्यादा है। और देखते हैं भाई यहाँ पर क्या सीन रहता है भाई। तो गाइस यहाँ पर अपनी लेजेंडर भाई आगे बढ़ रही है। मैं एक बार थोड़ा सा झटका दे के देखता हूँ शायद उससे कुछ सीन बने। यहाँ पर भाई गाड़ी पूरी आगे से उठ रही है यार, क्या बात है। और मुझे लग रहा है बस भी अपनी थोड़ी थोड़ी करके आगे आ रही है क्योंकि यार यहाँ पे जो गाड़ी भाई अपनी थोड़ी थोड़ी गैस आगे बढ़ रही है। ओ भाई, तो गैस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अपनी लेजेंडर गैस काफ़ी इजीली यार अपनी बस को खींच रही है यहाँ पे। और एक ही बार में अपनी बस को भाई खींच के इसने बाहर निकाल दिया है। तो पावर जो इस गाड़ी में है यार वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़बरदस्त है। तो भाई देख सकते हैं आज अपनी बस यहाँ पर बाहर आ चुकी है। तो अपनी जो लेजेंडर भाई इसको यहाँ पर अब रोक देते हैं। और जो अपनी गाड़ी है भाई वो एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक नंबर पास हुई है। भाई पावर जो थी इसमें भाई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त, पूरी बस ने भाई खींच के निकाल दी यार बाहर, इतनी भारी भरकम बस। तो सोच सकते हैं भाई क्या ही पावर है इस गाड़ी में। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी 4x4 किंग अपनी महिंद्रा थार की। देखते हैं गाइस यहाँ पे थार है भाई ये खींच पाती है कि नहीं खींच पाती। वैसे ऑफ रोड के मामले में गाड़ी अपनी काफ़ी ज़बरदस्त है और मुझे लग रहा है इस थार को बिना यहाँ पे अपनी बस को खींच लेना चाहिए। तो फिलहाल थार अपनी हो चुकी है स्टार्ट। और देखते हैं गाइस यहाँ पे थार जो है भाई बहुत ही आराम से खींच रही है। तो भाई यहाँ अपनी थार जो है भाई अपने लेजेंडर से कम नहीं है, भाई ये भी काफ़ी इजीली खींच रही है। लेकिन इसको थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर अपनी लेजेंडर से कंपेयर किया जाए। जैसे यहाँ पर अटक सी चुकी है, थोड़ा सा पीछे से आता हूँ और देखते हैं भाई फिर क्या होता है यहाँ पर। और भाई साहब यहाँ पे अपनी थार भाई इसने थोड़ा सा तो अपनी बस को खींचा लेकिन पूरी तरीके से भाई खींच के बाहर नहीं निकाल पा रही है। मैं एक बार फिर से थोड़ा पीछे से आता हूँ। तो कीचड़ इतना ज़्यादा है ना, गाड़ी की स्पीड बिल्कुल बढ़ ही नहीं पा रही है यहाँ पे। ओ भाई, तो गाइस यहाँ अपनी थार ने थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रगल करती दिख रही है अगर कंपेयर किया जाए भाई अपनी लेजेंडर ने। लेजेंडर ने तो भाई एक ही बार में अपनी बस को खींच के बाहर कर दिया था लेकिन भाई यहाँ पर ये सीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। भाई अपनी बस पता नहीं किधर जाके फंस गई है और वो बाहर ही नहीं आ रही। भाई जो गाड़ी में पावर है भाई वो अपनी लेजेंडर से तो कहीं ना कहीं कम है। भाई इस बार खींच लिया, क्या बात है। तो भाई काफ़ी धीमे खींच रही है लेकिन भाई अपनी बस को भाई अपनी थार ने भी यहाँ पे खींच के निकाल दिया यार। और काफ़ी ज़्यादा जान लगानी पड़ी शायद से गाड़ी को। तो
तो भाई यहाँ पे जो अपनी थार है भाई, इसने भी यार अपनी बस को खींच के निकाल दिया। तो देख सकते भाई अपनी थार भी यहाँ पे काफी दमदार है, लेकिन भाई लेजेंडर ने तो कुछ ज्यादा ही स्पीड से खींचा था अपनी बस को। तो गाइज़ अब बारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा हैरियर की, और देखते हैं भाई जो अपनी हैरियर है यहाँ पे क्या अपनी बस को खींच पाती है कि नहीं खींच पाती। वैसे तो ये गाड़ी भी अपनी काफी ज्यादा यहाँ पे जानदार है, और ये चलिए भाई अपनी हैरियर यहाँ पे, भाई हैरियर तो पूरी आगे से उछलती मुझे दिख रही है। ओहो भाई कुछ ज़्यादा है भाई, गाड़ी में यहाँ पे जान लगानी पड़ रही है, और भाई गाड़ी धीमे धीमे करके मुझे लग रहा है यार आगे भी यहाँ पे खिसक रही है भाई। अगर आप लोग नोटिस कर पाए तो भाई हम लोग एक्सीलेटर छोड़ देने वाले हैं जब तक भाई बस को खींच नहीं लेती है। मैं बस थोड़ा सा पीछे झटका लेता हूँ, और यहाँ पे जो कीचड़ ना उसके से यार गाड़ी को ना आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही है। तो गाइस यहाँ पे जो हैरियर भाई पूरी जान लगा रही है, लेकिन यहाँ अपनी बस को जो है खींच नहीं पा रही है। और मिल रहा है भाई यहाँ पे अपनी हैरियर भाई ये अपने चरम जो है कहीं ना कहीं फेल हो सकती है भाई इसी डर की वजह से। और भाई बस तो यार एकदम खिसक ही नहीं रही है भाई अपनी जगह से। एक बार और ट्राई करते हैं भाई, मैं पूरी जान लगा रहा हूँ भाई, हमने एक्सीलेटर पूरा दबा रखा है, लेकिन जो गाड़ी है गाइस यहाँ पे भाई पूरी पूरी भाई टायर इसके स्किड मार रहे हैं भाई कीचड़ की वजह से। और देख सकते हो यार जो अपनी बस है भाई वो अपनी जगह से हिल तक नहीं रही है भाई साहब, पूरे टायर्स इसके स्किट मार रहे हैं लेकिन बस यार अपनी जगह से हिल नहीं रही है। तो गाइस यहाँ पे अपनी हैरियर यार ये अपने चैलेंज जो भाई फेल हो जाती है, कहीं ना कहीं ना इसमें उतनी ज़्यादा पावर नहीं है जितनी अपनी थार और अपनी लेजेंडर में थी। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो S11 की, और देखते हैं गाइस जो अपनी स्कॉर्पियो है यहाँ पे क्या अपनी बस को बाहर खींच पाती है कि नहीं खींच पाती है। तो हम बैठ गए गाइस अपनी स्कॉर्पियो के अंदर, और भाई गाड़ी हो चुकी है अपनी स्टार्ट, और देखते हैं भाई यहाँ पर स्कॉर्पियो का क्या सीन रहता भाई साहब। भाई गाड़ी अपनी पूरी आगे सोच गई, कैसे कांप रही है भाई। तो गाइस यहाँ पे स्कॉर्पियो पूरी जान लगाती दिख रही है, लेकिन भाई बस तो मुझे बिल्कुल भी हिलती नहीं दिख रही है। फिर मैं थोड़ा सा पीछे से होके आता हूँ, देखते हैं भाई फिर क्या सीन होता है। और गाइस यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो भाई यार अपनी बस को नहीं खींच पा रही भाई, इसको भी दिक्कत आ रही क्योंकि इसका वेट कहीं ना अपनी लेजेंडर से कम है, अपनी थार से भी मुझे कम लग रहा है, शायद इसी वजह से यार अपनी बस को खींच नहीं पा रही है। और एक बार फिर से पूरी जान लगाते हैं, फुल थ्रॉटल लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या होता है। और बस थोड़ी सी खिसकी यार, बस खिसक रही है यहाँ पे। बिकॉज यहाँ भी लग रहा है भाई अपनी स्कॉर्पियो खींच भी सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा है यहाँ पे। और भाई यहाँ पे ना भाई कुछ भी हो सकता है यार, फुल थ्रॉटल मैंने लेकर रखा है, और भाई जो भाई अपनी स्कॉर्पियो खींच नहीं पा रही है। मैं एक बार और पीछे से आता हूँ, और गाइस देख पा रहे हो कि अपनी स्कॉर्पियो ने भाई किसी हद तक तो अपनी बस को खींच ही दिया है, क्योंकि यार गाड़ी अपनी इतनी आगे नहीं थी भाई, काफ़ी आगे आ गई है, बस भी खिसक के आगे आ गई है। और मेरे हिसाब से गाइस अपनी बस अभी भी खिसक के आगे आ रही है यार। तो भाई यहाँ पे क्या होने वाला है यार देखते हैं भाई, बस काफ़ी आगे आ गई है भाई, खींच रही है अपनी गाड़ी, अपनी पूरी जान लगा रही है यहाँ पे। ओहो भाई, तो गाइस यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो भाई मुझे लग रहा है अपनी बस को कहीं ना कहीं खींच ले जाएगी यार, खींच के मानेगी। और भाई अभी भी गाड़ी अपनी पूरी जान मुझे यहाँ पे लगाती दिख रही है, और भाई यहाँ पे ना थोड़ी सी चढ़ाई आ चुकी है, तो मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भाई खींच पाएगी कि नहीं खींच पाएगी। भाई गाड़ी देख रखते हो यार कितनी ज़्यादा यहाँ पे रेस ले रही है, लेकिन भाई खींच तो शायद से नहीं पाएगी। और सामने की तरफ आ जाते हैं बस के, और गाइस यहाँ पे ना अपनी स्कॉर्पियो अब इससे ज़्यादा अपनी बस को नहीं खींच पा रही भाई, ऊपर चढ़ा नहीं पा रही है कहीं ना कहीं। और देखते भाई इस गाड़ी के साथ अपनी बस भी ऊपर नीचे की तरफ हिल रही है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो S11 है भाई ये भी अपने चैलेंज में जो है भाई फेल हो जाती है, क्योंकि यार भाई देख सकते हो भाई गाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खींचा, लेकिन जो अपनी बस यार वो आगे भी आई, लेकिन भाई यहाँ से ऊपर जो है नहीं चढ़ पा रही। हमें करना ये था कि हमें बस को बाहर निकालना, लेकिन जो कि वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया यहाँ पे। तो भाई मैं अपनी स्कॉर्पियो को जैसे जल्दी से यहाँ से हटा देता हूँ। तो कैसा बारी आती है यहाँ पे अपनी XUV500 की, और देखते हैं भाई जब अपनी 500 है यहाँ पे क्या अपनी बस को बाहर खींच पाती है कि नहीं खींच पाती है। तो यहाँ पे हो चुकी है गैस अपनी गाड़ी इधर स्टार्ट, और देखते हैं भाई इधर क्या सीन होता है। ओहो तो गैस यहाँ पे अपनी 500 यार मुझे लग रहा है अपनी बस को कहीं ना कहीं खींच सकती है। ओहो भाई बस शायद बाहर आ रही इधर से, और ऊपर चढ़ पाती है कि नहीं भाई साहब। तो गैस यहाँ पे अपनी जो बस है भाई उसी जगह आके अटकी है जहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो के साथ अटकी थी। तो एक बार और भाई खींच के देखते हैं, तो भाई देख सकते हो अपनी गाड़ी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेल कर रही है भाई, ऊपर से पूरी उड़ गई है आगे की तरफ से। तो मैं एक बार फिर से खींच के देखता हूँ,
ओहो, तो मुझे लग नहीं रहा कि आप अपनी जो बस है भाई, अपनी 500 से इधर बाहर आने वाली हो। भाई यार गाड़ी देख तो भाई, पीछे से कितनी ज़्यादा यहाँ पे दब चुकी है, लेकिन अपनी बस को खींच नहीं पा रही यहाँ पे। तो एक बार और ट्राई करते हैं। और भाई साहब देख सकते हो गाड़ी इधर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो सबसे बड़ी बात है भाई, यहाँ पे जो कीचड़ है ना, इसके वजह से ना और ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, और इसका भी ना खींच पाना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। तो गैस यहाँ पे जो अपनी XUV 500, यार ये भी अपने चैलेंज में कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है, क्योंकि यार गाड़ी तो अपनी पूरी जान लगाती मुझे दिख रही है, लेकिन भाई जो बस है ना वो ऊपर उस पर चढ़ नहीं पा रही है। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी दमदार फोर्ड एंडेवर की, और देखते हैं भाई अपनी फोर्ड एंडेवर है भाई अपनी बस को कैसे खींचती है। तो गैस यहाँ पर अपने अपनी एंडेवर में बैठ चुका हूँ, और भाई एंडेवर की पावर का तो भाई आप लोग को अंदाज़ा हो गई। थोड़ा सा पीछे लेते हैं पहले, और यहाँ पे गैस अपनी एंडेवर जो है भाई कितनी ज़्यादा ईजिली भाई बस को खींच रही है, और भाई ऊपर भी चढ़ा दिया। क्या बात यार, गाड़ी की आवाज़ सुनो ज़रा भाई, जो दहाड़े मारती ना भाई ये गाड़ी, भाई जो इसकी पावर है ना भाई, ऐसी पावर यार बहुत ही कम गाड़ी में अपने पास। यहाँ पे एक लेजेंडर है और यार एक एंडेवर है जिसमें इतनी ज़्यादा पावर है। तो भाई देख सकते हो बस को इसने खींच के कितनी ज़्यादा यहाँ पे आगे पहुँचा दिया, और गाड़ी जो है भाई एकदम सॉलिड गाड़ी यार ये वाली। तो गाइस यहाँ पे अपनी एंडेवर भी भाई काफ़ी ज़्यादा जानदार निकली, और भाई एक नंबर तरीके से अपनी एंडेवर भी यहाँ पे पास हुई, और बस को ना पूरा ही इसने खींच के बाहर निकाल दिया है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी डिज़ायर की, और देखते हैं गाइस अपनी डिज़ायर है यहाँ पे क्या अपनी बस को खींच पाती है कि नहीं खींच पाती। वैसे इसके चांसेस कम है, क्योंकि यार गाड़ी अपनी इतनी ज़्यादा हैवी वेट और इतनी पावरफुल तो नहीं है, लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है यहाँ पे। और भाई अपनी डिज़ायर ने अपनी बस को हिला दिया, क्या बात यार, मुझे लगा नहीं था कि अपनी डिज़ायर से अपनी बस हिलने वाली है, लेकिन भाई यहाँ अपनी डिज़ायर जो भाई अपनी बस को हिला तो दे रही है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है सिर्फ ये गाड़ी हिला ही पाएगी भाई, खींच नहीं पाएगी, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा इसमें पावर नहीं है। और देख तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं बार बार आगे पीछे भी कर रहा हूँ, लेकिन जो बस है अपनी जगह से हिलने का जो है नाम ही नहीं ले रही है। और भाई बहुत ही ज़्यादा भाई मुश्किल है मेरे हिसाब से यार इसको बाहर निकालना। तो गैस यहाँ पे ना अपनी डिज़ायर भी अपने चलन में फेल हो जाती है, क्योंकि यार देख ही रहे हो भाई क्या ही सीन चल रहा है अपनी डिज़ायर का। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी XUV 700 की, और गलती से मैंने अपनी XUV 700 को ज़्यादा ही पीछे खड़ा कर दिया भाई। देख तो एक टायर नीचे की तरफ जा चुका है, लेकिन देखते हैं भाई, मुझे लग रहा है भाई अपनी 700 को यहाँ पर जो है खींच लेना चाहिए, और जो पावर है गाड़ी भाई साहब, पिज़्ज़ा का डिब्बा नीचे आ गया था, खैर कोई नहीं। तो गैस देख तो भाई अपनी XUV ने काफ़ी आगे तक खींच, और गैस गाड़ी जो है भाई अपनी जान लगाए जा रही है यहाँ पे, क्या बात है यार। और मुझे लग रहा है यहाँ पे अपनी 700 भाई शायद से अपनी बस को खींच देगी, और यहाँ पे गैस अपनी गाड़ी ने बस को खींच के बाहर निकाल दिया है गैस एक ही बार में, क्या बात यार। और यहाँ पे अब गाड़ी जो भाई कांप रही है, लेकिन भाई यहाँ पे गाड़ी पास हो चुकी है, उसने बस को बाहर निकाल दिया, लेकिन भाई गाड़ी जो भाई कितनी ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट लगा रही है आप लोग देख रहे हो यार। तो गैस यहाँ पर अपनी XUV की जो बात यार वो एकदम अलग ही बात है भाई, क्या ही खींच रही है यार अपनी गाड़ी भी यहाँ पे, काफ़ी दमदार है यार अपनी 700 भी, मुझे लगा ही था कि भाई इतनी इजीली खींच देगी ये। तो यहाँ पे उसी दिक्कत है, मैं थोड़ा सा ना पीछे से लेके फिर से एक बार ट्राई करते हैं। और भाई यहाँ पर आगे ना गाड़ी को थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि यहाँ पर कीचड़ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो गाड़ी ना पूरी पूरी यहाँ पर काँपती दिख रही होगी आप लोगों को, लेकिन यार अभी भी ना अपनी बस को खींच रही है। देख लो भाई धीमे धीमे ना अपनी गाड़ी यहाँ पे आगे आ रही। तो गाइस यहाँ पे अपनी XUV 700 यार ये भी अपने चरम जो है भाई यहाँ पे पास हो चुकी है। तो भाई देख तो बस को कितना ज़्यादा इसने बाहर खींच दिया है यहाँ पे। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी देसी गाड़ी अपनी महिंद्रा बुलेरो की, तो देखते हैं गाइस अपनी बुलेरो है क्या अपनी बस को खींच पाती है कि नहीं खींच पाती, क्योंकि इस गाड़ी का वेट जो है भाई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन गाड़ी भाई अपनी फुल देसी है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो ये चलिए गाइस अपनी बुलेरो यहाँ पे, और तो गैस यहाँ अपनी बुलेरो शायद से अपनी बस को धीमे धीमे करके खींच रही है भाई, गाड़ी जो है पूरी पीछे से दब चुकी है, लेकिन भाई हल्की हल्की यहाँ पे जो है पावर ले रही है, और भाई अब तो पूरी तरीके से यहाँ पे हिलनी शुरू हो चुकी है। मैं थोड़ा सा बैक करके पूरा टॉर्क बनाता हूँ पहले, तो कीचड़ वैसे अगर देख रहे हो यार कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे गाड़ियों को। और यहाँ पे यार जो अपनी बुलेरो है भाई वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करी, लेकिन देख रहे हो भाई धीमे धीमे आगे आ रही भाई, खींच लेगी शायद से, पर इस पॉइंट पे आके ना अपनी गाड़ी इधर अटक चुकी है। थोड़ा सा पीछे लेते हैं और खींच रही है, ओ भाई। तो गैस यहाँ पे यार अपनी बुलेरो मुझे लग रहा है निकाल के बाहर कर सकती है, बस ये बस जो है भाई वहाँ पे अटकनी चाहिए नहीं चाहिए, अगर अटक गई तो भाई नहीं खींच पाएगी बाहर। और आगे आ रही अपनी बस धीमे धीमे आगे आ रही भाई, देखते हैं गैस आगे बाहर आ पाती है कि नहीं आ पाती है।
तो भाई अभी भी गाड़ी अपनी धीमे धीमे इधर आगे बढ़ रही है और मुझे लग रहा है भाई ये बाहर निकाल सकती है भाई अपनी बस को। और अभी भी यार आगे आई, मैं एक बार फिर से ना झटका लेके देखता हूँ यहाँ पे। और यार बस ना बहुत ही धीमे धीमे यहाँ पे आगे आ रही है, बहुत ही धीमे धीमे खींच रही है। और अब आ चुकी है यहाँ पे चढ़ाई। तो गैस अब बस को यहाँ पे मतलब कि अपनी जो बुलेरो भाई इसको दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। और अब लग रहा है भाई यहाँ पे कांड हो चुका है भाई, इससे आगे नहीं खींच पाएगी अपनी बुलेरो इधर भाई, कुछ ज़्यादा ही भाई अब दिक्कत हो रही है अपनी गाड़ी को, भाई आगे भी नहीं आ पा रही है। और भाई मुझे लग रहा कि अपनी जो बुलेरो भाई इससे आगे अपनी बस को खींच पाएगी, क्योंकि यार अब बस के आगे ना चढ़ाई सी आ चुकी है और इस चढ़ाई की वजह से भाई अपनी जो बुलेरो भाई अभी खींच नहीं पा रही। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो यहाँ पर भाई यहाँ पे जो चढ़ाई है ना ये भाई दिक्कत दे रही है भाई अपनी बस को चढ़ने के लिए, क्योंकि यार अपनी गाड़ी में इतनी ज़्यादा पावर यहाँ पे नहीं है। और देख तो भाई गाड़ी कितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। तो गैस अपनी जो बुलेरो भाई ये भी अपने चैनल में यहाँ पे फेल हो जाती है भाई, खींच नहीं पा रही है तो नहीं खींच पाएगी। तो भाई मैं जल्दी से अपनी बुलेरो को जो है यहाँ से हटा देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी इनोवा क्रिस्टा की, और देखते हैं गाइस अपनी इनोवा क्रिस्टा है यहाँ पे क्या अपनी बस को खींचने वाली है कि नहीं खींचने वाली है। तो गाइस इधर अपनी जो क्रिस्टा गाइस वो एकदम रेडी है, और देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सीन हो। तो अपनी क्रिस्टा है गाइस, ओहो तो भाई यहाँ पे आज लग रहा है भाई अपनी क्रिस्टा में अलग ही जान आ चुकी है। और भाई क्या ही खींच रही है भाई ये गाड़ी, वो पत्थर से बचने का, और साइड में थोड़ा सा लेते हैं। तो भाई यहाँ पे पत्थर सामने आ चुका है भाई, गलत डायरेक्शन में जा रही है यार गाड़ी, तू इसको थोड़ा सा लेफ्ट लेके चलते हैं। और आज ना क्रिस्टा में जो पावर यार वो एकदम अलग ही पावर है, मुझे लग रहा है बस को भी खींच दिया। तो भाई यहाँ पे आज अपनी क्रिस्टा में यार अलग ही लेवल की पावर आ चुकी है। और भाई गाड़ी जो भाई कीचड़ में ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो भाई खींच रही है, और भाई कैसे भाई उछल दिए गाड़ी भाई, मैं फुल पावर लेता हूँ एक बार। और देख सकते हो अपनी बस जो भाई वो काफ़ी हद तक यार बाहर आ गई है, मुझे लगता है पूरी बाहर निकाल दी इसने इस बार। तो गैस यहाँ पे आज क्रिस्टा ने जो है भाई अपनी पावर यहाँ पे दिखाई दी है भाई, कमाल कर ही दिया। और जो अपनी गाड़ी है गैस यहाँ पे बाहर आ गई, और मुझे नहीं पता भाई ये कैसे हो गया यार अपनी क्रिस्टा, मतलब कि जो इतने अच्छे से अपने चैलेंजेस नहीं कर पाती है, लेकिन आज जो अपनी क्रिस्टा भाई इसने तो यहाँ पे कमाल ही कर दिया भाई, पूरी लाइन ही खींच दी भाई मिट्टी से, और जो अपनी बस है भाई इसको यहाँ पे बाहर निकाल दिया है भाई। तो भाई इस क्रिस्टा के लिए आज यार एक लाइक तो कर ही देना यहाँ पे। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी किया सोनेट की, और देखते हैं गाइस अपनी सोनेट है भाई यहाँ पे अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी क्या अपनी बस को खींच पाती है कि नहीं खींच पाती है। गाइस यहाँ पे अपनी सोनेट भाई स्टार्ट हो चुकी है, ओहो और मुझे लग रहा है भाई ये जो गाड़ी भाई अपनी बस को खींच लेना चाहिए भाई, ज़्यादा ही पीछे आ गए हम लोग यहाँ पे, और अपनी गाड़ी खुद ही अभी खतरे में दिख रही मुझे, चलो बाहर तो आ गई। और मुझे नहीं लग रहा कि यार ये जो अपनी सोनेट है यहाँ पे अपनी बस को खींच पाएगी, क्योंकि इसका वेट यार इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, और गाड़ी अपनी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे। और भाई साहब बस यहाँ पे हिल तो रही है यार, बस तो मुझे यहाँ पे हिलती दिख रही है लेकिन भाई आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। तो गैस यहाँ पे यार जो अपनी सोनेट है भाई ये भी अपने चैनल में जो है भाई फेल हो चुकी है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी जीप ग्रैंड शिरोके की, और देखते हैं गाइस जो अपनी जीप है अपनी जीप कंपस की बाप अपनी जीप ग्रैंड शिरोके यहाँ पे क्या अपनी बस को बाहर खींच पाती है कि नहीं खींच पाती है। तो ये चली गाइस अपनी जीप यहाँ पे, और देखते हैं गाइस यहाँ पर जीप है भाई अपनी बस को बाहर खींच पाएगी कि नहीं खींच पाएगी। और जो अपनी जीप है भाई यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रही है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि यार बस अपनी आगे बढ़ रही है भाई। भाई यहाँ पर अभी जो है अपनी बस थोड़ी सी आगे बढ़ी थी, और मुझे लग रहा है भाई ये गाड़ी शायद से खींच सकती है यहाँ पे। फिर से अब पीछे से आगे आता हूँ, और यहाँ पे जो अपनी बस है भाई वो बहुत ही हल्की से हिल रही है, मुझे लग नहीं रहा कि अपनी ये गाड़ी जो है भाई अपनी बस को खींच पाएगी। और गैस यहाँ पे अपनी जीप को भाई काफ़ी ज़्यादा जो है भाई दिक्कत होती दिख रही है, और मुझे लग नहीं रहा कि यार जो अपनी जीप है यार यहाँ पर अपनी बस को खींच पाएगी भाई, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपनी जीप को इधर ना भाई। तो गैस यहाँ पे अपनी जीप है भाई ये अपनी बस को खींच नहीं पा रही, तो गैस इधर मैं अपनी जीप से जल्दी से उतर जाता हूँ। और गैस जो अपनी जीप है गैस यहाँ पे भाई अपनी बस को बिल्कुल भी भाई मतलब हिला तो रही है लेकिन आगे नहीं खींच पा रही, तो इधर जो अपनी जीप है गैस ये अपने चरम जो भाई फेल हो जाती है। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पर अपनी होंडा सिटी 2022 की, और देखते हैं गैस अपनी सिटी है यहाँ पर अपनी बस को खींचती है कि नहीं खींचती है। और भाई अपनी 2x4 गाड़ी, और मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर अपनी सिटी भी अपनी बस को खींचने वाली है, बस को खुद से ही चलने में गाइस इतनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, तो भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है भाई इसका खींच पाना।
तो आप फिर से पीछे से आते हैं। तो भाई इससे तो अपनी बस हिल भी नहीं रही यहाँ पे, तो खींच पा रहा तो मुझे नामुमकिन ही लग रहा है, क्योंकि भाई बस हिल ही नहीं तो खींचेगी कहाँ से यार। तो यहाँ पे आज अपनी होंडा सिटी है भाई, ये भी ना अपने चैलेंज में कैश फेल हो गई है भाई, बिल्कुल भी नहीं खींच पा रही। तो कहीं इधर अपनी होंडा सिटी भाई अपनी चैलेंज जो है भाई फेल हो जाती है, क्योंकि गाड़ी का जो वेट है भाई वो इतना ज़्यादा नहीं है, और साथ ही साथ जो अपनी गाड़ी भाई ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो भाई इधर से मैं इसको जल्दी से हटा देता हूँ। तो कैसा बारी आती है यहाँ पे अपनी ह्यूंडई क्रेटा की, और देखते हैं कैसे अपनी क्रेटा है क्या यहाँ पे अपनी बस को खींच पाएगी कि नहीं खींच पाएगी। तो ये चलिए भाई अपनी क्रेटा यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी क्रेटा भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करती दिख रही, लेकिन इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, मतलब इतनी ज़्यादा आवाज़ तो नहीं कर रही है ये। अब पीछे से खींचते हैं, और भाई इसका खींच पाना भी मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसका वेट इतना ज़्यादा नहीं है भाई, गाड़ी अपनी पोजीशन से हिल रही है। ओहो तो गाइस यहाँ पे जो अपनी क्रेटा है गाइस ये अपनी बस को भाई थोड़ा थोड़ा करके भाई खींच रही है यहाँ पे, भाई खींचते हैं देखते हैं भाई कितनी खींच पाएगी। और अब जाके अपनी क्रेटा को दिक्कत आनी शुरू हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है। और क्या बात है यार भाई, आज अपनी क्रेटा भी भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से खींच, मुझे लग रहा है बस को बाहर निकाल ही देगी है। ओहो तो गाइस यहाँ पे अपनी बस है भाई बाहर आ चुकी है, भाई मैंने पूरा स्टेयरिंग मोड रखा, लेकिन जो गाड़ी है भाई अपनी सीधी जा रही है, और भाई इसने यार अपनी बस को बाहर खींच के निकाल दिया। तो यार अपनी क्रेटा भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यार दमदार निकली भाई, गाड़ी जो है पूरी आगे से उठ चुकी है, और एक टायर इसका कीचड़ में धंस गया है, लेकिन भाई जो गाड़ी है भाई अपनी बस को भाई खींचे ही जा रही थी यहाँ पे। तो भाई इसने अपनी बस को यार काफ़ी हद तक यार बाहर निकाल दिया, लगभग यार पूरा ही निकाल दिया। तो भाई इधर ना अपनी जो क्रेटा है भाई ये तो पास होनी बनती है यहाँ पे, और अभी भी खींच रही है भाई, जैसे ही पहिया नीचे आया भाई इसने फिर से अपना खींचना काम इधर चालू कर दिया है। तो भाई जो अपनी गाड़ी है भाई ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा भाई दमदार है यहाँ पे यार। तो भाई इसको मैं जो है जल्दी से भाई जो है साइड में पार्क कर देता हूँ, और कीचड़ यहाँ पे यार देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ही कीचड़ है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा सफारी 2021 की, और देखते हैं भाई अपनी सफारी है यहाँ पे क्या अपनी बस को खींच पाती है कि नहीं खींच पाती है। तो ये चलिए भाई अपनी सफारी यहाँ पे, उसकी हेडलाइट्स कितनी ज़्यादा ब्राइट है यार, और यहाँ पे अपनी सफारी भाई ये भी अपनी बस को काफ़ी ज़्यादा आराम से खींच रही है। गाइस जो पावर है यहाँ पे सफारी की यार ये तो कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे। तो भाई यहाँ मेरी सफारी भाई हल्की गाड़ी में नहीं ले सकते यार, ये भी काफ़ी ज़्यादा दमदार है, देख सकते हो अपनी बस को कितना ज़्यादा इजीली खींच दिया है। उसका पीछे वाला टायर देखो भाई पूरा का पूरा दब चुका है भाई अंदर की तरफ, क्योंकि यार गाड़ी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावर लगा रही है, और फुल थ्रॉटल लेते हैं एक बार, और भाई गाड़ी में जो पावर यार ये काफ़ी ज़्यादा पावर है। फिलहाल जो अपनी बस है भाई ये इसने पूरी खींच के भाई बाहर कर दी, तो देख सकते हो यार बस जो है भाई अपनी पूरी तरीके से जो है इधर बाहर आ चुका है। अब चलने में कितनी दिक्कत हो रही है यार, इधर भाई इतना ज़्यादा कीचड़ है। तो देख सकते भाई अपनी पूरी बस यहाँ पे अपनी टाटा सफारी 2021 ने भी खींच के बाहर निकाल दी, तो अपनी सफारी भी जो है भाई अपने चैनल में पूरी तरीके से जो है पास होती है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी क्रेटा की छोटी बहन अपनी ह्यूंडई वेन्यू की, और देखते हैं भाई जो अपनी वेन्यू है यहाँ पे अपनी बस को भाई कैसे खींचती है। तो इधर यार अपनी वेन्यू में हम लोग बैठ चुके हैं, और देखते हैं भाई वेन्यू का जो है यहाँ पे क्या सीन रहने वाला है। और अपनी क्रेटा ने तो काफ़ी इजीली खींचा था, मतलब कि दिक्कत हुई थी लेकिन खींच ले गई थी, लेकिन वेन्यू का वेट अपनी क्रेटा से कम है, तो भाई इसके साथ साथ इस चीज़ का जो पंगा है भाई वो यहाँ पे होने ही वाला है। तो देख तो अपनी वेन्यू जो भाई काफ़ी ज़्यादा जो इधर जान लगा रही है, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली यार जो गाड़ी है यहाँ पर अपनी यार अपनी बस को खींच के बाहर नहीं निकाल पा रही यार, गाड़ी खिसक भी नहीं रही है आगे। तो गाइस यहाँ पे जो यार अपनी वेन्यू है यार अपने चैलेंज जो भाई फेल हो जाती है यार, मैं पूरी जान लगा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन भाई तो बस यार अपनी हिल ही नहीं रही है, तो भाई इसके आगे आने का तो भाई यहाँ पे मुझे कोई सीन ही दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे अपनी वेन्यू है भाई ये भी जो है अपने चैलेंज जो है भाई फेल हो जाती है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा नेक्सॉन की, और देखते हैं भाई जो अपनी नेक्सॉन है यहाँ पे यार अपना चैलेंज कर पाती है कि नहीं कर पाती। वैसे इस गाड़ी का भी वेट जो है भाई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन भाई अपनी क्रेटा जो है भाई वो खींच ले गई थी, तो मुझे लग रहा है अपनी नेक्सॉन को भी यहाँ पे खींच लेना चाहिए, और भाई नहीं खींच पा रही यार भाई, पूरी जान ले रहा हूँ लेकिन यार गाड़ी का जो इंजन है भाई वो एकदम जैसे डल सा पड़ जा रहा है भाई, मतलब फुल थ्रॉटल लेते हैं। तो बस यहाँ पर अपनी नेक्सॉन है यार ये भी अपनी बस को यार खींच नहीं पा रही है, मैं पूरी इधर देखो जान लगा रहा हूँ भाई, गाड़ी अपनी आगे से उठ जा रही है, लेकिन भाई जो अपनी बस यार इधर से आगे भाई खिसक ही नहीं रही है भाई।
तो गाइस यहाँ पे जो अपनी नेक्सॉन यार, मुझे लग रहा है ये भी अपने चैलेंज जो भाई फेल हो चुकी है यार, बस अपनी ज़रा सा भी नहीं खींच सकती। और गाड़ी जो है भाई शायद से भाई अपने नई नेक्सॉन लाने का इधर टाइम आ चुका है अपना भाई। मैं इसको जो है भाई जल्दी से यहाँ से हटा के भाई साइड में पार्क कर दूँ, क्योंकि यार ऐसे झटके मारने से भाई कुछ भी नहीं होने वाला यार। तो गाइस बारी आती है इधर अपनी i20 की, और देखते हैं गाइस अपनी i20 है यहाँ पर भाई कैसा परफॉर्म करने वाली है। और भाई ये गाड़ी अपनी टू व्हील ड्राइव कार देख सकते हो भाई, आगे के टायर से कैसे मतलब कि स्किट मार रहा हूँ भाई, इसे का खींच पाना यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो भाई यहाँ पे यार मुझे कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं कि अपनी जो यार यहाँ पे i20 यार ये अपनी बस को खींच के बाहर लाने वाली है। और यहाँ पर आज अपनी i20 यार मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्ट्रगल कर रही है यार। गाड़ी में यार पावर भी है लेकिन टू व्हील ड्राइव कार है तो इसको दिक्कत तो यहाँ मुझे लग रहा है होनी थी। और यहाँ पे गाइस जो अपनी i20 है ये भी अपने चैलेंज जो है भाई यहाँ पे फेल हो जा चुकी है यार। देख सकते हैं इतनी जान लगाने बाद भी यार भाई अपनी बस बिल्कुल भी नहीं हिली है। तो गाइस बारी आती है यहाँ पे हमारी आखिरी गाड़ी अपनी सुजुकी स्विफ्ट की, और देखते हैं भाई जो अपनी स्विफ्ट भाई यहाँ पे अपनी बस को खींचने वाली है कि नहीं खींचने वाली। वैसे इसका भी खींच पाना मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यार ये गाड़ी अपनी छोटी गाड़ी भाई, इतना ज़्यादा वेट है नहीं इसका। और देख ही सकते हो भाई जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा है भाई इसके लिए अपनी बस को खींच पाना, क्योंकि यार एक तो कीचड़ भाई गाड़ी को ऐसे ही ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, और ऊपर से भाई यहाँ पे इतने ज़्यादा डिप लकड़ी सब कुछ पड़ा हुआ है यार। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी स्विफ्ट भाई ये भी अपनी बस को जो है बिल्कुल भी नहीं खींच पा रही हो मेरे हिसाब से यार, जो अपनी स्विफ्ट भाई यहाँ पे भाई खींच भी नहीं पाई क्योंकि इस गाड़ी का वेट बहुत ही ज़्यादा कम है और भाई बस इससे भाई 10 गुना ज़्यादा भारी होगी। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा आज का चैलेंज है भाई यहाँ पे ख़त्म होता है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को आज के बारे में वीडियो पसंद आई होगी, और जो हमारा ये चैलेंज है भाई ये भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।